लोकायुक्त पुलिस ने आज सुबह एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। लोकायुक्त पुलिस पटवारी को पुलिस थाने पर लाकर कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि सुबह 9 बजे दलपुरा हलके के पटवारी नारायण पाटीदार को राजगढ़ स्थित उनके कृषि मंडी के समीप निवास से लोकायुक्त पुलिस ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। पटवारी नारायण ने फरियादी राकेश पिता गंगाराम परवार दलपुरा से दो पावती बनाने के एवज में 24,000 रुपए की मांग की थी, जिस पर फरियादी ने आज सुबह पटवारी को जैसे ही पहली किस्त 10,000 रुपए दिए, वैसे ही लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथ पटवारी को धर दबोचा और थाने लेकर पहुंचे। थाने पर लोकायुक्त पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। धार से रवि सुनेर की रिपोर्ट। ये है कि मेरे और पिताजी के बीच में जो जमीन है उसका बंटवारा करवाना था। बंटवारे के लिए नामांतरण पावती बनवानी थी, तो मेरा द्वारा पटवारी साहब से पूछा गया तो उन्होंने 12,000 रुपये डायरी के हिसाब से, दो डायरी के 24,000 रुपये बताए। जब मेरे द्वारा कहा गया कि पटवारी साहब थोड़े कम लोगों को बोले कि इससे ज़्यादा मतलब ये सबके बनते हैं, इसमें तहसीलदार के बनते हैं, बापू लोगों के बनते हैं, सबके बनते हैं इसमें पैसे, मेरे अकेले के नहीं रहते हैं इस प्रकार की। तो फिर मेरे द्वारा लोकायुक्त विभाग में शिकायत की गई। लोकायुक्त विभाग द्वारा आज सुबह 9 बजे उनके निजी निवास पर आके दर्दबोच किया गया। ये राकेश परवार हैं, ग्राम दलपुरा राजगढ़ के, इनकी जमीन है, पितृक संपत्ति है। इनके पिता पुत्र के बीच के बंटवारे का मामला था, जिसके संबंध में इनके द्वारा जो पटवारी हैं नारायण जी पाटीदार, उनको आवेदन दिया गया था। उस बंटवारे के संबंध में इन्होंने शिकायत की थी कि बंटवारा करने के संबंध में जो दो डायरियाँ बनेगी, 12,000 रुपये प्रति डायरी के हिसाब से 24,000 रुपये आपको देना होंगे। इसके संबंध में राकेश द्वारा लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की गई थी, जिस पर से ये आज कार्यवाही की गई है और नारायण पाटीदार पटवारी जी को उन्हीं के निवास पर आज 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। उनको अभी थाना राजगढ़ पर लाया गया है, जहां पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। आपका नाम? विजय चौधरी, इंस्पेक्टर लोकायुक्त इंदौर।